कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी अक्षय तृतीया के बारे में। जी हाँ, अक्षय तृतीया जो कि है 10 मई को, और इस दिन का खास उपाय मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसे आपको करना चाहिए? बहुत 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 बड़ा दिन है। जी हाँ, अक्षय तृतीया का जो दिन है वो बहुत ही खास है और बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन आपको अपने ज़िंदगी में सकारात्मकता लाने के लिए और अपने ज़िंदगी में धन लक्ष्मी को अपने पर आकर्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय करने चाहिए, और उसमें से कुछ उपाय ऐसे खास हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको इंस्टेंट इसके रिजल्ट्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं। और आपको क्या ही बताऊँ, इस दिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, इसी दिन आपको माता लक्ष्मी आपको वरदान देती है अक्षय ना होने का किसी भी चीज़ का। जो भी चीज़ आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जो भी करेंगे आप, इस दिन आपको मिलता है। जो भी कहेंगे आप सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि वही आपको मिलने लगता है। क्षय नहीं होने वाला ऐसा एक दिन है जिस दिन आपकी जितने भी सत्कर्म हैं, जितने भी अच्छे कर्म हैं, या जो भी आप करते हैं, जैसा करते हैं वैसे ही आपको रिटर्न मिलता है। तो इस दिन आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, इसी विषय में बात करूंगी। इसके पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। और माता रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं, और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, नया बदलाव हो ज़िंदगी में, ढेर सारी मतलब चीज़ें हों जो कि आप बहुत दिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काम मेरा रुका हुआ ये पूरा हो जाए। तो अक्षय तृतीया के दिन खास जादुई उपाय बताऊंगी जिससे आपके सारे इच्छा जो है वो पूरे होने लगेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया जो है 10 तारीख को, जो कि है शुक्रवार का दिन, शुक्रवार माता लक्ष्मी को ऐसे ही समर्पित है। और इस दिन अगर अक्षय तृतीया पड़ता है तो इसमें अलग ही योग हो जाते हैं। इस दिन से कोई भी तरह का शुभ कार्य आप कर सकते हैं, कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सोना चांदी खरीद रहे हैं, ज़रूर खरीदना भी चाहिए अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 12:07 के बाद ही आप चीज़ों को परचेज करें। और अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी वजह से अगर सोना चांदी नहीं खरीद पाते तो अपने घर के राशन जरूर खरीद लीजिए। वो नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप अपने लिए श्रृंगार का सामान ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आज के दिन खरीदारी ज़रूर करिए, शॉपिंग ढेर सारी करें। बाहर के खाना खाने से अगर आप बच सकते हैं तो यदि उत्तम होता है, मत खाइए। आज के दिन आपको दान करना चाहिए, जो भी आप दान करेंगे इस दान का कोई क्षय नहीं होता, इसके आपके पूरे फल आपको मिलते हैं। आज के दिन अगर आप जाप करते हैं, कोई भी जाप अगर करते हैं, तो उसका भी पूरा पूरा फल रिजल्ट जो है वो आपको मिलता है। और इस दिन आपको गोमती चक्र का पेड़ खरीद के लाना चाहिए। गोमती चक्र का पेड़ अमेजन वगैरह में इजीली मिल जाता है। अगर आप मार्केट नहीं जा पा रही हैं तो आज ही तुरंत ऑर्डर करिए, और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। यूजुअली अमेजन में मैंने चेक किया, वैसे मेरे पास भी मिलता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि गोमती चक्र जो है वो ओरिजिनल मैं यूज़ करती हूँ, ट्री बनाती हूँ, तो वो खुद से करके देने के लिए उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आपको जहाँ से मन करे आप ऑर्डर कर सकते हैं। गोमती चक्र का पेड़ खरीदिए, खरीद कर आप इसको अपने घर पर लाइए, और उसमें एक सफ़ेद रंग की कागज़ में लाल रंग के कलम से, मतलब इस तरह का रेड पेन, अगर आपके पास है, नहीं है तो खरीद लीजिए। खरीद कर अपनी इच्छाओं को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मेरा नया प्रोजेक्ट चालू हो गया है। आप जो चाहते हैं उसको लिखना शुरू करिए, लिखकर उसको आपको पीले रंग के सूत्र से बांधना है, और गोमती चक्र के पेड़ में उसको लगा देना है। लगाकर इसको किसी भी दिशा में, भैया कोई दिशा की बात नहीं है, आप चाहे तो वेस्ट में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, उस ट्री को स्थापना कर दीजिए, लेकिन याद रखिए वो जो विश आपने उसमें लगाई है उसके बारे में किसी को बताना नहीं। चलिए दूसरी चीज़ आपको उपाय मैं ये बताती हूँ कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो क्या करना है, आपको एक मिट्टी का कलश लेना है, उसके अंदर आपको धान होता है ना, धान धान या फिर जौ भी आप यूज़ करते हैं, नहीं अगर जौ भी है तो बासमती राइस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि टूटा हुआ ना हो। आपको लेकर इसको लगा लेना है, और आपको बासमती राइस एक छोटे से मिट्टी की कलश में आपको रख लेनी है। अगर नहीं है तो आप जौ रख सकते हैं, धान रख सकते हैं, और उसमें आपको 2 हल्दी की गांठें रखनी है, थोड़ा सा धनिया डालना है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, और अपने सर से घुमाकर 1 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, चांदी का कॉइन, सोना का कॉइन,
जो भी आपके पास अपनी विश बोलकर क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाइएगा, राइट ईयर से घूमना चाहिए, राइट कान से घुमा कर अपनी विशेष कह के उसके अंदर डाल दीजिए, और उस अक्षय पात्र को, उसे हम अक्षय पात्र कहेंगे, कभी ना खत्म होने वाला जो चाहिए वो मांगिए, मांग कर उसको माता लक्ष्मी के समक्ष एक लाल रंग के कपड़े में, कपड़े से उसका मुंह ढाक दीजिए और उसको मोली सुतो से कस के टाइट कर लीजिए और उसको प्लेस कर दीजिए। आप यकीन मानिए ये आपका विश फुलफिलमेंट करने वाला है। एक गोमती चक्र के पेड़ के बारे में मैंने बताया, दूसरा आपको मैंने बताया इस मटके के बारे में। अब तीसरी चीज़ ये बताओ, आज जो है आप कुबेर जी का जाप करेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। कुबेर जी जो है वो धन को संचित करते हैं, लक्ष्मी माँ जो है वो चंचला है, तो आपको संचय धन चाहिए, जमा होना चाहिए पैसा, ऐसा ये अपेक्षा करते हैं। तो कौन सा मंत्र जाप करेंगे, ओम कुबेराय नमः का जाप करिए, कोई भी कुबेर मंत्र अपने फ़ोन से निकालिए, गूगल से निकाल कर उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपको रसीम कृपा होती है, क्योंकि आज ही के दिन कुबेर को शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था कि वो धन के अधिपत्य हैं। तो आज के दिन आप पूरे हार चुके हैं, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया और पूरे थक चुके हैं, हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी परेशानियों से थक के हार चुके हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी आप हार चुके हैं, तो आज आपको दर्शन करने चाहिए खाटू श्याम के। जी हाँ, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे, तो उनके पास जाइए, अपनी विनती करिए, अर्जी लिखिए। आज के दिन आपको एक सफ़ेद रंग का या पीले रंग का कोई भी कागज़ लीजिए, रेड पेन से अपनी अर्जी लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपनी फ़ोन नंबर लिखिए, चीज़ों को ऐसे लिखिए कि मैं, जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं पूर्णिमा स्वर्णकार श्रीवास्तव, मैं कलकत्ते में रहती हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी जो जो परेशानियाँ लिखे लिख कर लिखें कि आप, मुझे विश्वास है कि आज मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, जो भी आप चाहते हो उसको लिखो, कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, बहुत सारी गाड़ियां हैं मेरे पास, आप जो चाहते हो उसको लिख लीजिए, उसमें लिखकर भगवान को कृपा करके आप उसमें लिखिए कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ या करती हूँ आपके ऊपर कि आप मेरी मनोकामना ज़रूर पूरे करेंगे, सब तरफ से हार के मैं आपके पास आया हूँ और आप पर अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। इस विश्वास के साथ आप उसको बांधेंगे एक पेपर को, जैसे कि ये मान लीजिए अपनी अर्जी लिखी एक पेपर पे, उसको आप इस तरह से रोल 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 करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, पेज को आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, कैलेंडर में जैसे हम लोग करते हैं ना ऐसे रोल कर लिया, मौली सूते से बांधिए और उस मौली सूते के अंदर एक मोर का पंख डालकर उनको जाकर देख के आइए। यकीन मानिए ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव आप देखने को मिलेंगे आपको, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया, अचानक से ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई, कैसे ऐसे बदल गए। जो भी परेशानी है लिखिए और हारे के सहारे के पास ज़रूर पहुँचिए, मैं तो जाने वाली हूँ, आशा करती हूँ आप भी ज़रूर जाएंगे। तो चलिए तीसरी बात ये कि गणेश जी की आराधना करना आज के दिन ना भूलें। आज शुक्रवार का दिन है तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गुलाब का इत्र डाल के नहाएं अपने शुक्र पर्वत पर, यानी यहाँ पर गुलाब का जो इत्र है उसे रब कर लीजिए, रब करके ओम शुक्र शुक्राय नमः का 3 बार जाप करिए और अपने घर पर पूरा पोछा लगवाइए गुलाब जल के पानी से, पोछने वाले पानी में गुलाब जल डाल दीजिए। आज के दिन अपने घर पर चारों तरफ पीले सरसों छिड़क दीजिए और उसके नेक्स्ट डे उसको बाहर निकाल दीजिए। आज के दिन आपको अपने पैरों में हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए, आज के दिन आपको अलता ज़रूर पहनना चाहिए, आज के दिन आपको तिल का दान ज़रूर करना चाहिए, आज के दिन आपको पैसों का भी दान करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए, अन्न वस्त्र विद्या जो भी संभव हो सबका दान ज़रूर करें। आज के दिन आपको माता लक्ष्मी का ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए कमल गड्ढे के माला में 108 बार, आप ओम लक्ष्मी आय नमः का जाप करिए 108 बार, श्री मंत्र का जाप करिए 108 बार। काफ़ी सारी चीज़ें आज आप कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, गरीबों को खाना बंटवा सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, जो जो आपको करना है वो सब कुछ करिए, कभी ना क्षय होने वाला दिन है ये, इसको अपने हाथ से जाने बिल्कुल ना दें और अपनी ज़िंदगी में उन्नति और तरक्की करते ही चले जाएं। माता रानी की कृपा से आप सबके घर के धन भंडारे, मेरा और आपका सबका धन भंडारा भरा रहे। आशा करती हूँ वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।